अब सिर्फ आलोक जी, ओनली आलोक जी, अनइंटरप्टेड। संजू आपको सबने सुना, आपको भी सुनना पड़ेगा। आलोक जी बोलिए, आपकी बारी। पीओके अनडिस्प्यूटेड हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। इसके बाद मुद्दे पर आते हैं। बहुत अच्छे हालात हो गए मानक जी वहां पर, सब लोग आपको आके बता रहे हैं, वहां से जम्मू कश्मीर से जो घूम के आ रहे हैं। इसीलिए बीजेपी 10 साल से चुनाव नहीं करा रही थी, वहां सुप्रीम कोर्ट को लठ चलाना पड़ा, तब तो चुनाव हो रहा है। अगर इतने अच्छे हालात थे तो चुनाव से क्यों भाग रहे थे? 2014 के बाद 24 में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में क्यों चुनाव हो रहा है? 2024 में ही लोकसभा का चुनाव था, अभी 4 महीने पहले। क्या जम्मू कश्मीर में वैली की 3 सीटों पर बीजेपी लड़ी? क्या लेह लद्दाख में बीजेपी का जो सांसद था वो भी छोड़कर भाग गया? वो तो मुस्लिम एरिया भी नहीं था, वो भी छोड़कर भाग गया, जो संसद में बहुत अच्छा भाषण जिसने दिया था। उसने बाद में कहा कि बीजेपी कपटी राष्ट्रवाद लाती है, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करती है, और उसने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, उसने अपनी आस्था कांग्रेस में दिखाई। अब वापस आते हैं, बेरोजगारी में 9 पॉइंट गिर गया है 2019 में। अगस्त के आंकड़े देखिए सीएमआई के, और आज के आंकड़े देखिए, 9 राज्यों से पीछे चला गया जम्मू कश्मीर। तो हालात कहां पर सुधरे किसी को नहीं पता। उसके बाद बात आती है भ्रष्टाचार की। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि 150 करोड़ की 2 फाइलें आई थी, और अगर मुझे कहीं से ठीक से याद हो तो जो लेकर आए थे वो वहां के प्रभारी थे बीजेपी के, और पूरी तरह से उनकी जांच नहीं हुई, ईडी विसल ब्लोअर के पास चली गई। ये तो हालात अच्छे हैं। अभी मैंने 2-3 सवाल पूछे। अच्छा, एक सेकंड, अगर कंप्रोमाइज किसी ने किया है तो जम्मू कश्मीर ने किया। मुझे जरा अनुराग भदौरिया, राजीव रंजन को भी टाइम देना, उसके बाद संजू आपको टाइम दे रहा हूं। एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट, पहले अनुराग भदौरिया, मैं एक मिनट अंतिम बात पूछना चाहूं। बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं, मैं पहले अंतिम एक सवाल मैंने पूछा था, झंडा अलग झंडा होना चाहिए कि नहीं, आज देश के गृह मंत्री पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, बार बार पूछ रहा हूं मानक जी, इनको बीजेपी वाले तो नहीं बोलेंगे, ये तो दोगले। मुझे आप केवल ये बता दीजिए कि 3.5 साल जब सरकार चली पीडीपी के साथ, तो एक झंडा था या 2 थे? आप ही बता दीजिए। जाहिर है, तब तो 370 पूछ लेता हूं। तब 370 थी, तब 2 झंडे थे, सबको पता है लोग जी, तो फैक्ट है, तथ्य है। 370 का ऑर्डिनेंस मानक जी पढ़ा है आपने? कितने पेज का, मुझे केवल ये बता दीजिए पत्रकार। एक मिनट मानक जी, गलत बात है यार ये मानक जी, बोलिए बोलिए, इतना गंभीर विषय है। 2 पेज का जल्दी बोलिए। 2 पेज का ऑर्डिनेंस है, उसमें झंडे का कहीं पर कोई जिक्र नहीं। पहली चीज, अगर हो तो मुझे दिखाइएगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आप पत्रकारिता छोड़ देना। दूसरी चीज, 3.5 साल तक आपने 2 झंडे लगाकर चलाया, क्या यह सही था? यह कंप्रोमाइज नहीं था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कहते थे ना कि 2 संविधान और 2 विधान और क्या। मुझे संजू को टाइम देना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया, राजीव रंजन, एक सेकंड में आ रहा हूं। संजू बोलिए, जल्दी आपकी बारी है। संजू वर्मा, मानव जी, पहली बात तो मैं कहती हूं, जब डिबेट पर आओ और वो भी संजू वर्मा के साथ डिबेट पर आओ, तो इकोनॉमी के मसले पर आंकड़ों पर लोगों को बहकाना बंद करिए। इन्फ्लेशन होलसेल 2.04%, रिटेल इन्फ्लेशन 3.54%, और बात रही अनएम्प्लॉयमेंट की, तो आज तक का 40 सालों में सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये नेशनल सैंपल सर्वे कहती है। आप यहां सीएमआई की बात करते हैं, सीएमआई के कर्ता भत्ता है महेश व्यास, जो कि आपके पी चिदम्बरम के खासम खास चमचे थे और पी चिदम्बरम के चरण चुंबक थे, इसलिए सीएमआई के आंकड़े देना बंद करिए आलोक शर्मा। लास्ट पॉइंट मानव जी, यहां सभी जो विपक्ष के, अरे मोदी जी चुनाव हार गए लोकसभा 2024, अरे बीजेपी चुनाव हार गई, अरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई, यहाँ पर आलोक शर्मा कहते हैं बीजेपी का वर्चस्व खत्म हो गया। मानव जी बीजेपी अभी सुनिए, बीजेपी चुनाव, मानव जी कैन आई फिनिश जल्दी क्विकली इंटरप्ट दिस मैन। मानव जी मजे की बात देखिए, बीजेपी चुनाव हार गई लोकसभा, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हैं, बीजेपी चुनाव हार गई पर गृह मंत्री। चलिए ओके, ऑल राइट, अनुराग भदौरिया जल्दी से बोलिए, उसके बाद राजीव रंजन क्लोजिंग कमेंट। अनुराग बोलिए, आपकी बारी, 30 सेकंड्स। इन्होंने बोला देश के अंदर में बेरोजगारी खत्म होगी, लेकिन ये भूल जाती है कि 60,000 अभी पुलिस भर्ती निकली उत्तर प्रदेश के अंदर में, 9.5 लाख लोग बच्चे वहां अपने एग्जाम देने के लिए घूम रहे थे, और आप कह रहे रोजगार सबको मिल गया। बीजेपी गजब झूठी पार्टी है भैया, यहाँ में 60,000 के लिए 9.5 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, कोई ट्रेन में झूठ
कोई स्टेशन पे सो रहा है, कोई भूखा रह रहा है और आप कह रहे हैं सबको नौकरी मिल गई। मैंने झूठे के अलावा कोई काम नहीं। तीसरी बात, ये बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार बना ले तो कहेगी बहुत अच्छा किया, दो दो झंडा लगा के चलेगी और जब सत्ता की मलाई खा लेगी मलाई खा लेगी। राजीव रंजन आपकी बारी, राजीव रंजन बोलिए। राजीव जी देखिए एक बात तय है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अभी मैं पीडीपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, 90 के बाद उन्होंने कहा नहीं लेकिन 90 के पहले जो एक अच्छा माहौल था उसकी चर्चा उन्होंने की, लेकिन दरअसल कांग्रेस की लापरवाही और कश्मीर का पूरा इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था जिसमें फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीत कर आए थे और उसके बाद वहां गुलाम मोहम्मद शाह की कठपुतली सरकार, ये कुछ घटनाएं हैं जिन्होंने कश्मीर के वातावरण को काफी हद तक बिगाड़ा और उससे माहौल बिगड़ता ही चला गया। ऑलराइट ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।